अगली खबर में बात करते हैं धार की, जहां फीतमपुर में मेड़ दुकानदार की दिन दहाड़े गला काटकर हत्या कर दी गई। मंगलवार दोपहर हुई इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी पहले बेरहमी से दुकानदार की पिटाई करता है, फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद बेखौफ होकर वहां से निकल जाता है। वारदात फीतमपुर के सेक्टर 3 बगदून थाना इलाके में तालाब किनारे की है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान संतोष खटीक के रूप में हुई है। वह तालाब किनारे मीट की दुकान चलाता था। एक युवक ने उसका गला रेत दिया। फिलहाल आरोपी युवक की पहचान नहीं हुई है, उसका पता लगा रहे हैं। वारदात का जो वीडियो सामने आया है उसमें आरोपी युवक संतोष की पिटाई करते हुए बार बार गालियां देते नजर आ रहा है। आरोपी कहता है कि तू खुद को समझता क्या है, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। वहीं पीड़ित रोते हुए उससे पिटाई नहीं करने और छोड़ने की गुहार लगाता रहा। आरोपी ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया, फिर गला काट कर उसकी जान ले ली। थाना प्रभारी आनंद तिवारी के अनुसार घटना दोपहर 3 बजे के बाद की है। पुलिस को चश्मदीद ने बताया कि मृतक और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान ही आरोपी ने चाकू से मीट दुकानदार की गर्दन पर कई वार किए। दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान कई लोग भी वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इन्हीं में किसी ने वारदात का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।